हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। जो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी बात मैं रिवाइज करूंगा बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी की, और उसके बाद बेटा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, टू कमोडिटी खत्म कर, ठीक है जी? और वो सब सामने देखेंगे। टू कमोडिटी पेपर में आना चाहिए, हर हर स्कूल में आना चाहिए, कोई मुद्दा ही नहीं है आने का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी कंफर्म है, मुझे आएगा विद शेड्यूल विद डायग्राम बना के। अब वो सब सामने देख रहे हैं। पहले बेटा सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं। कंडीशन क्या थी बेटा, कहाँ इक्विलिब्रियम अचीव होगा सिंगल कमोडिटी के केस में? मेरा एमयूएक्स इज इक्वल्स टू पीएक्स है ना। अगर बेटा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी जहां बराबर हो जाएंगे, वहां इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। लेकिन शुरुआत यहां से नहीं होती थी, अगर आपको याद हो तो। शुरुआत हमेशा बेटा यहां से होती है, याद है ना आपको? तो बहुत भूख लगी है, 3 4 घंटे हो गए कुछ खाए हुए, अभी अभी पॉकेट मनी मिली, आपने सोचा अभी उड़ा कर आऊं, ठीक है जी? अभी एक प्लेट मोमोज खाऊं, एक प्लेट मोमोज खाया बाबू, खर्चे 20 30 रुपए, सेटिस्फेक्शन मिलने वाला अभी तो बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना जी? बेटा सेटिस्फेक्शन मिला कुछ भी कहना, 60 यूटल्स, पैसे खर्चे हुए 30 रुपए। बेटा आप ऐसी सिचुएशन में कभी भी कंजम्पशन गिराते नहीं। एक रेशनल कंज्यूमर सोचता है कंजम्पशन बढ़ाओ, क्यों? पैसे कम लगे, सेटिस्फेक्शन ज्यादा। लेकिन बेटा वो ये नहीं जानता कि लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट कर रहा है, अगली प्लेट से उतना सेटिस्फेक्शन कभी मिल ही नहीं सकता। आपने एक प्लेट और बाय करी, सेटिस्फेक्शन गिर गया। बेटा आपने एक प्लेट और बाय करी, आप इस कंडीशन पर पहुंच गए। आपने एक प्लेट और बाय करी, लेकिन बेटा जैसे ही आपने एक प्लेट और बाय करी, अब बेटा पैसे तो खर्चे होंगे 30 रुपए, सेटिस्फेक्शन आ रहा होगा 20 के बराबर। सर यहां जाकर आपको पता लग जाएगा कि मुझे पिछली ही प्लेट पर रुक जाना चाहिए था। बेटा यही वो सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जहां पर कंज्यूमर को रेस्ट कर लेना चाहिए, अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, या कंजम्पशन को कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। समझ में आती बात? बट बेटा कल ये जो बात हमने पढ़ी, इसमें मैं थोड़ा सा एनहांसमेंट करूंगा। पिछली बार भी मैंने एक दिन में बात नहीं बताई थी बेटा, 2 दिन लगाए थे, मतलब एक दिन में उतना ही पोर्शन करा था जितना मैंने कल तक कराया। नई बात इसमें से थोड़ी सी मैं ऐड करूं बेटा। ये बात ना ऐसे जब हम लिखते हैं, ये ना अनाड़ी लिखते हैं, खिलाड़ी ऐसे नहीं लिखते। खिलाड़ी कैसे लिखते हैं बात ये है। बेटा MUX इज इक्वल टू PX लिखना भी नहीं चाहिए, मुझे तो कभी कभी लगता है। बेटा एक चीज को आप प्राइस के सेंस में लिखते हो और दूसरे को यूटिल्स के सेंस में लिखते हो, बेटा क्या ये दोनों कभी कंपेरेबल हैं क्या? लिखना भी चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। कायदे से बेटा इस कंडीशन को कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। यानी कि बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं इसको भी प्राइस में कन्वर्ट करने की। MUM क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये क्या बताती है बेटा? ये बताती है हाउ मेनी यूटल्स इन रुपी वन, हाउ मेनी यूटल्स इन 1 रुपी या रुपी वन, कुछ ही बोल। बेटा मैंने 10 रुपए खर्चे, मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, और मैंने माना 1 रुपए में भी 1 यूटिल है। अब ये रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अब ये बोलेगा कि 10 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला 10 रुपए खर्च करके। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। समझ में आई बात? जब तक आप MUM से इसको डिवाइड नहीं करोगे, ये टर्म कभी रुपी में कन्वर्ट ही नहीं होगी। ये रुपी में कन्वर्ट नहीं होगी तो बेटा ये कंपेरेबल है ही नहीं। ऐसे सब बनाड़ी बोलते हैं, खिलाड़ी बेटा इस सिचुएशन को ऐसे बोलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है? MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, इस सिचुएशन पर अचीव होता है। समझ में आ गई बात? मैं बाबू हर मुश्किल चीज में एक दिन में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसी वजह से मैंने कल ये बात बोली थी आपको। ये पता है मैं हर जगह पे बोलता हूं, मेरा सीक्वेंस बहुत अलग है, मेरा सीक्वेंस फॉलो करो कि मेरे को तो लगता है किसी बात के ही पैसे हैं बेटा। समझ में आई बात? इसी वजह से मैंने एक दिन में नहीं करा, दिक्कत होगी होगी अगर मैं एक दिन में इतनी सारी मुश्किल बातें बोलूंगा तो, ठीक है? अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे बताओ सिंगल कॉमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या, जो मैंने अभी बोली, फटाफट से बताओ। MUX अपॉन
MUM is equals to PX. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, MUX upon PX is equals to MUM. बस ये बताओ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं. क्या किया मैंने, इसको बेटा डिवाइड में ले गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले गया, तो लिख सकता हूं. सिंपल मैथ्स के नाम है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा. ये सिंगल कॉमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम अचीव करने की कंडीशन है. ठीक है, आगे बढ़ाएं. आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी. ठीक है, सिर्फ 5 मिनट और लगाएंगे और पैकअप कर देंगे बेटा. ठीक है जी, फिर आपको पता है आपकी लिंग राज लगते यार. तो भैया रोज नहीं पढ़ाता, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ना कभी सुनाइयो मुझे कुछ, तो ना नंबर ला के दिखा. मेरे को लगता है एग्जाम मेरा ही चल रहा है कभी कभी, तुम्हारा तो कोई, तुम्हारे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है. सुनो जी उत्तर सब सामने देख लेंगे. अच्छा एक बात बताओ, लॉ ऑफ डीएमयू याद है? दो कॉमोडिटी पे लगता है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू लगता है कि दो कॉमोडिटी पे, आधे घरे नहीं आधे घरे लगता है. अच्छा एक बार जरा बोलो क्या था तो? आते तो तुम ऐसे हो, इसके शिकार झुंड में करते हैं आते नल्ले, आटो को पता नहीं होता. एस वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, रुक जो एस वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आ कॉमोडिटी, ऑफ आ कॉमोडिटी. सर लॉ ऑफ डीएमयू कभी दो कॉमोडिटी की बात ही नहीं करता, लगता ही नहीं है उसके ऊपर. समझ में आई बात? वो बात अलग है कि आप लिटरली पढ़ते हो चीजों को, मैं थोड़ी सी पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन करा देता हूँ बेटा. दो कॉमोडिटी पर एक लॉ लगता है, लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, घबराओ नहीं, लॉ ऑफ डीएमयू का छोटा भाई है. ठीक है जी, लगभग सारी बातें सेम करता है. एक बात बस मैं ऐड करूंगा इसमें और कुछ, क्या लॉ लगता है दो कमोडिटी पे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. मुझे लगता है कभी कभी इको इतनी मुश्किल है कि आप मतलब रिवीजन में भी ऐसा लग रहा है कि पहली बार कर रहे हैं, है ना? तो मैंने जान के बुलवाया यार, रैपट मार. घर जाके कभी नोट्स खोल ले हो तो बंदे को लगे ना रिवीजन चल रहा है. एक बार नहीं नोट्स खोले भाई, और ये बात मतलब ईमानदारी की है. कौन क्या रब देख रहा है, तुम जानते हो, मैं तो नहीं जानता बेटा. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दो कॉमोडिटी की केस में एप्लीकेबल होता है. हमने 9 असम्पशन पढ़ी थी लॉ ऑफ डीएमयू की, कल 9 असम्पशन पढ़ी थी. यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन नंबर्स, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन मनी. ठीक है ना, कंटीन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी की कंजम्पशन, रेशनल कंज्यूमर, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, प्राइस फिक्स रहेंगे, इनकम फिक्स रहेंगे, ब्ला 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 करके बहुत सारी 9 कंडीशन बेटा. ये 9 की 9 असम्पशन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की भी कट कॉपी पेस्ट सेम है, पहली बात. ठीक है, ये एक बात और बोलेगा. वैसे तो लॉ ऑफ डीएमयू का छोटा भाई है, सारी बातें सेम है, लॉ ऑफ डीएमयू की असम्पशन भी बातें भी. बस बेटा एक बात और बोलेगा, जब एक बात और बोलेगा भी पढ़वा दूंगा, टेंशन मत लेना, सामने देखते रहना. तो वो सिंगल कॉमोडिटी के केस में यही थी इक्वेशन. ठीक है, अगर मैं दूसरी कॉमोडिटी लू तो बाबू कंडीशन यही होगी, बस दूसरी कॉमोडिटी का नाम वाई है. ठीक है ना, एक्स को पिज्जा समझ लो, इसको मोमोज समझ लो, अकेले मेरे मुंह में क्यों पानी है, सबके आए जब आए तो. ठीक है जी बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैंने डिसाइड करा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं. समझ में आई बात? ये मैथ्स हर जगह क्यों आ जाती है, बस मुझे नहीं पता था बाबू. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? मैंने क्या किया बेटा, एमयू वाई को डिवाइड में ले गया, पीएक्स को मल्टीप्लाई में ले गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं. इफ पीएक्स इज इक्वल टू पी वाई, दोनों कॉमोडिटी का प्राइस बराबर हो, बर्गर भी 20 रुपए का है, उसकी प्लेट भी 20 रुपए की, दोनों 20 के बराबर हो तो कैंसिल हो गए 1, यानी कि तो कंडीशन बचेगी एमयू एक्स इज इक्वल टू एम वाई.
ठीक, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? अभी तक जितनी बोली पक्का से मैंने क्या किया, सुन लो बेटा, कल वाली बात में एडिशन करके मैं पहले यहां पहुंचा, ठीक है? इसकी बेटा एक नई फॉर्म क्रिएट करी, पी एक्स को लेकर डिवाइड में, एम यू एम को लेकर मल्टीप्लाई में, पहली इक्वेशन। ये सिंगल कॉमोडिटी की कंडीशन है, अगर दूसरी कॉमोडिटी भी हो तो कंडीशन तो यही रहेगी। और इन दोनों से मैंने एक इक्वेशन बनाई, पी एक्स को मल्टीप्लाई में ले गया, यहाँ पहुंच गया, और अगर पी एक्स पी वाई दोनों बराबर हो, दोनों कॉमोडिटी का प्राइस बराबर हो, तो कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम की, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ओके चलो जी, आखिरी के 2 मिनट, मैं ऐसे कहता रहूंगा 20 मिनट तक। कह रहे हाँ ये बढ़िया है छुट्टी। बाबू अब मेरी बात सुनना आराम से बेटा, मैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की एक आध बात और पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। पढ़ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या क्या है सुनना बेटा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्या कहता है ये लॉ, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ एम यू ऑफ टू कॉमोडिटी, वेन द रेशियो ऑफ एम यू ऑफ टू कॉमोडिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, यही कहा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने बस बताया नहीं आपको, मैंने कहा था ना एक नई बात कहता है, तो यही कहता है। और ये कंडीशन मैंने वैसे बना दी, मैथमेटिकली भी बना दी, यही कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन, मैं बाबू 5 मिनट बाद इसकी चर्चा करूंगा, इसके बाद न्यूमेरिकली जितनी भी टर्म लिखी हुई है सारी मैं ऑलरेडी समझा चुका बोर्ड पर, ठीक है जी? आगे बढ़ाएं बात को। चल बेटा सबसे काम की बात है इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन और शेड्यूल, सबसे काम की बात, और बाय हार्ट लर्न कर लेना इसको, मैं बोल रहा हूं कंफर्म्ड बेटा, जो भी स्कूल के अवेली पेपर चल रहे हैं बाबू सब में लिखा हुआ है कुछ, सब में। चलो जी आराम से पढ़ते हैं बेटा। कहता है सपोज टोटल मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹5, एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है ₹500। कहता है विच ही विशेस टू स्पेंड ऑन टू कमोडिटी, दो कमोडिटी पे खर्चना चाह रहा है, ठीक है ना? दूसरी दो कमोडिटी की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने कही। कहता है एक्स एंड वाई, दो कमोडिटी एक्स और वाई, बोथ दीज कमोडिटीज आर प्राइस्ड एट ₹1 पर यूनिट, बड़े काम की बात। बाबू कहता है दोनों कॉमोडिटी का प्राइस ₹1 है, प्लीज सामने देखना, अगर पी एक्स और पी वाई बराबर हैं तो बेटा यानी कि कंडीशन तो फिर घूम फिर के इतनी सी बची ना, ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने कहा कहा था सेटिस्फेक्शन कहां पर अचीव होगा, उसने तो कहा था यहां अचीव होगा, लेकिन अगर दोनों कमोडिटी का प्राइस बराबर हो तो कंडीशन यही तो बचेगी। और यहां पर बेटा दोनों कमोडिटी का प्राइस मनी तो है, इसने खुद ही बोला एग्जाम्पल ने बोला, तो एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम ₹500 है, दो कमोडिटी एक्स और वाई पे पैसा खर्चना चाहता है, दोनों एक एक रुपए की है, जैसे उसने बोला एक एक रुपए की है, अगर उनका प्राइस बराबर है तो कंडीशन तो सिर्फ इतनी सी बची, अगर एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई आ जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी बढ़ाते हैं। सो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5, चलो ठीक है, मेरे को जितनी काम की बात बनानी थी अभी डन है। एम यू एक्स जहां पर भी एम यू वाई के बराबर होगा वहां इक्विलिब्रियम अचीव होगा, सब सामने देखेंगे काम की बात। बेटा एक्स और वाई की तरफ नजर को मान लो, क्या ये एम यू वाई और क्या ये एम यू एक्स बराबर है या नहीं? बराबर है, दोनों 12 के बराबर है, एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर है या नहीं, फटाफट से बताओ जल्दी से, बराबर है ना? यानी कि बेटा एम यू एक्स और एम यू वाई बराबर हो गए, कब बराबर हुए बेटा, जब 2 यूनिट वाई की कंज्यूम करी आपने और 3 यूनिट एक्स की कंज्यूम करी। अच्छा वाई कितने रुपए का है, 1 रुपए का, 2 यूनिट 2 रुपए में आएंगी, 3 यूनिट एक्स की, एक्स भी 1 रुपए का, 3 रुपए में आएंगी, 5 रुपए मेरी इनकम कितनी मानी थी मैंने, 5 रुपए है ना? ठीक है जी आगे बढ़ाना प्लीज। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं एम यू एक्स और एम यू वाई यहाँ भी तो बराबर है, काम की बात, बड़े काम की बात, सर बिल्कुल बराबर है, पर ये तो देख लो आपकी इनकम के अंडर है वो, सर यहाँ 4 यूनिट वाई की लगेंगी
और यहां 5 यूनिट एक्स की लगेंगी। सर दोनों एक एक रुपए की हैं, 9 रुपए चाहिए, आपकी इनकम 9 रुपए है नहीं है, यानी कि यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जो चीज आपकी इनकम के अंडर है वही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने कहा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक और बात करता है, सॉरी मैंने कहा था वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में दूसरी कंडीशन पढ़ाऊंगा एक मिनट के बाद, वो बात कर लो। चलो एक मिनट के लिए सब सामने देखना, MU falls as consumption increases। बेटा दूसरी कंडीशन ये कहती है MU fall भी होना चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है। काम की बात बताता हूं बेटा, पहली बात तो यहां MU x और MU y बराबर हैं, बट मेरी इनकम के अंडर नहीं है। दूसरी बात सर, MU fall भी नहीं है। आप ये मत कह देना कि अगली यूनिट पे गिरेगा ही। चलो सर गिरेगा, मैं assumption क्यों लूं, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा MU गिरता हुआ। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये कहती है MU गिरता हुआ भी दिखना चाहिए। सर यहां बताओ जब ये 12 और 12 है, MU गिरता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? या तो दिख रहा है या दिख नहीं रहा, जबरदस्ती मत कर लेना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, MUX upon MUY is equals to PX upon PY, अगर प्राइस बराबर है तो MUX is equals to MUY, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन भी याद रखना, MU गिरता हुआ दिखना चाहिए आपको अपनी आंख से, assumption नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। शेड्यूल डन, कर्व बनाए, इसका कर्व थोड़ा मुश्किल, इसका कर्व पहली बार बोल रहा हूं मैं, मुश्किल है, मुश्किल है तो मुश्किल है, यही बनाऊंगा मैं, सब सामने ही देखते रह के, सब सामने देखते रहे। बाबू एक्स एक्सिस पर मैंने ली यूनिट, यूनिट ऑफ एक्स, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, सब सामने ही देखते रहना, दिक्कत होगी बेटा। बाबू यहां पर मैं ले रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स, बेटा 20 तक जाना है, 4 4 का ही गैप ले रहा हूं मैं, 4 8 12 16 and 20, इधर देखना बेटा, बाबू एक यूनिट कंज्यूम करी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज 20, 2 यूनिट कंज्यूम करी इट इज 14, 3 यूनिट कंज्यूम करी इट इज 12, 4 पर 7, 5 पर लगभग 5। बेटा कुछ ऐसा सा कर्व बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर इसको लिख सकता हूं ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटा काम की बात मैं बताने जा रहा हूं, मैं इसी डायग्राम में ना एमयू वाई भी ड्रॉ करूंगा, बट एक स्पेसिफाइड मेथड उसका, मैंने इसकी मिरर इमेज बनाने जा रहा हूं। अगर इसकी इमेज ऐसी है तो मिरर इमेज ऐसी तो होगी, ठीक है आराम से देखना, गड़बड़ नहीं है। चल बेटा मैं इसकी मिरर इमेज बनाने जा रहा हूं, मैंने मिरर इमेज क्रिएट कर दी, ठीक है जी। बाबू 4 के सामने 4, 8 के सामने 8, 12 के सामने 12, 16 के सामने 16, 20 के सामने 20, यहां पर लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो क्लियर है बात? जहां पर 5वीं यूनिट आई थी एक्स की, वहां बेटा ओरिजिन ले लिया वाई के लिए, 4 पर 1 यहां पर 2 3 4, और जहां इसकी ओरिजिन था यहां ले लिया 5th यूनिट। अब देखना थोड़ा स्मार्टली लिखना इसको, जब आपने यूनिट ऑफ एक्स लिखी थी ना तो एरो ऐसे कर दो कि ये यूनिट ऑफ एक्स है, यहां पर लिख रहा हूं यूनिट यूनिट्स ऑफ वाई, और एरो ऐसे कर रहा हूं कि यूनिट्स ऑफ वाई इस डायरेक्शन में चल रही है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। जहां y की 1 यूनिट है वहां बेटा 16, सर इसकी 1 यहां पर है 16, सर 2 पर 12, 3 पर इसका 3 यही है ना, 3 पर है 8, 4 पर 3, 5 सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी क्या, यहां पर है 8, 3 पर, 4 पर है 5, और यहां पर है 3, लगभग कुछ यहां पर, ठीक है बेटा।
कर्व ड्रॉप कर दिया, अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं सर? जहां एमयू एक्स और एमयू वाई एक दूसरे से मिल जाते हैं, इंटरसेक्शन कर जाते हैं, यही वो पॉइंट है बेटा यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ये देखो यहीं पर इंटरसेक्शन है, यहीं इक्विलिब्रियम अचीव होगा। फिर भी श्योरिटी करनी हो परपेंडिकुलर ट्रेस कर लेना। परपेंडिकुलर आपने ट्रेस करा, परपेंडिकुलर ने बताया 3 यूनिट ऑफ एक्स लगेंगी, 2 यूनिट ऑफ वाई लगेंगी, 2 यूनिट ऑफ वाई, 3 यूनिट ऑफ एक्स, हमने भी तो ये डिसाइड किया। क्लियर हुई बात? बाबू इसका डायग्राम मुश्किल है, मैं पहले बोल रहा हूं, इस शेड्यूल को बाय हार्ट लर्न कर लो, याद रख लो, बिल्कुल कंफर्म्ड है पेपर में, कोई मेरे को डाउट नहीं है इस चीज में। ठीक है जी, खत्म हो गया, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।